हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं सूजी के अप्पे बनाने जा रही हूँ। यह बहुत ही हल्का और हेल्दी नाश्ता है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। सूजी के अप्पे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए जल्दी से सूजी के अप्पे बनाना शुरू करते हैं। हम 1 कप सूजी लेंगे, इसे रवा भी कहते हैं। अब इसमें आधा कप दही डाल देंगे और दही को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे। इससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। आधा घंटा हो गया है और देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। एक प्याज, एक टमाटर, आधा शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़ा कटा हुआ धनिया। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बेटर को न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और न ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। बेटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करेंगे और इस गर्म तेल को बेटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गर्म तेल डालने से अप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम बेटर में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से अप्पे फूले फूले बनेंगे। अब हम 1 बाउल में 1 चम्मच राई लेंगे और इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम अप्पम पैन के सभी मोल्ड में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स किया हुआ राई और जीरा डाल देंगे। राई और जीरा के अच्छे से तड़क जाने के बाद हम चम्मच की सहायता से इसमें बेटर डालेंगे। हम मोल्ड को बेटर से अच्छे से भर लेंगे जिससे अप्पे फूले फूले और गोल गोल बनेंगे। इसी तरह हम सभी मोल्ड में बेटर को अच्छे से भर लेंगे। आप अप्पम के बेटर में अपने पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में अच्छे से बैटर भरने के बाद हम इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हमें पैन को ढकना नहीं है। पैन को ढक देने से अप्पे सॉफ्ट हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। 1.5 मिनट के बाद हम सभी अप्पे पलट देंगे। अब इन्हें दूसरे साइड से आधा मिनट तक पकने देंगे। आधा मिनट होने के बाद हम इन्हें पलट लेंगे। अब सभी अप्पे पर दो दो बूंद ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम अप्पे को 1 बार और पलट देंगे। हमें अप्पे को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। हम गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे वरना अप्पे ठीक से पक नहीं पाएंगे और क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। अब हम अप्पे को इस तरह से पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट में अप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं। अप्पे के दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। आप इसे अपने पसंद की चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।